So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. So let us revise essay 200. Essay 200 आज अपन revise कर रहे हैं quickly within a short span of time. तो फटाफट मेरे साथ आप revise कीजिएगा, मेरे साथ आप recall कीजिएगा and फटाफट video को like कर दो, share कर दो, channel को subscribe कर दो. Essay 200. What is the name of the standard, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards of auditing? तो बड़ा ही प्यारा नाम है standard का, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards of auditing. तो आखिरकार as a independent auditor मेरा objective क्या है? मेरा जो objective है ना, वो है report करना कि financial statements true and fair है कि नहीं. क्या है? मेरा है objective report करना कि financial statements true and fair है कि नहीं. The purpose of my audit is to enhance the degree of confidence of intended users of financial statement. ठीक है ना? और एक चीज सर अपने को ध्यान रखना है कि जो मैं ऑडिट कर रहा हूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मेरे ऑडिट की वजह से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कहीं भी कम नहीं हो रही है. मैनेजमेंट अच्छे से समझ ले, जान ले कि भाई ऑडिटर के ऑडिट करने से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कहीं भी कम नहीं हो रही है, दोस्त एज गवर्नेंस की जिम्मेदारी कहीं भी कम नहीं हो रही है. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और है कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो ऑडिटर्स ओपिनियन है, ये कहीं भी एश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. मैं जो एज ए ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला हूं वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने वाला हूं, और मेरा जो ओपिनियन है वो किसी भी तरीके से इस चीज का एश्योरेंस नहीं दे रहा कि आगे चल के एंटिटी बहुत अच्छा करने वाली है. ठीक है, ऐसे 200 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, दैट इज द प्रिमाइज ऑफ एन ऑडिट. दैट इज द प्रिमाइज ऑफ एन ऑडिट. प्रिमाइज ऑफ एन ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है और दोस्त एज गवर्नेंस है, उनकी कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके कुछ बेसिक कर्तव्य है. कर्तव्य नंबर वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर वन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना उनका काम है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर करेंगे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर टू, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो जो डिजाइन करेंगे वो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स, दे आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर थ्री, कि वो ऑडिटर्स को ना एक्सेस प्रोवाइड करेंगे टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कि एज अ ऑडिटर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से मांगूंगा मैनेजमेंट मुझे उसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को जिससे भी बातचीत करना होगा रिगार्डिंग ऑडिट, तो ऑर्गेनाइजेशन उनका एक्सेस भी मुझे प्रोवाइड करेगा. और सेम प्रिमाइस ऑफ ऑडिट का रेफरेंस मुझे ऐसे 210 में भी देखने को मिलेगा, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जहां लिखा गया है कि बिफोर एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मैं मैनेजमेंट से इन चीजों के बारे में अंडरटेकिंग मांगूंगा. उसके बाद अगर हम लोग ऐसे 200 की बात करें, तो ऐसे 200 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200. एंड ऐसे 200 की ना ब्रॉडली 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हो. EPS, दैट इज E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, P फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रोफेशनल जजमेंट, S फॉर SAAE एंड S फॉर स्टैंडर्ड्स. तो E से एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि एज ए ऑडिटर ना मुझे एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना है, P से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, P से प्रोफेशनल जजमेंट, देन S फॉर SAAE एंड S फॉर स्टैंडर्ड्स. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया सर? एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया कि मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है. एक प्रिंसिपल अपन फॉलो करते हैं कि मुझे OIPCC का ध्यान रखना है, OIPCC का ध्यान रखना है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, देन यू नो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, एंड अगेन केयर यानी ड्यू केयर का ध्यान रखना है. सो ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, देन प्रोफेशनल बिहेवियर का ध्यान रखना है. सी फॉर केयर यानी कि मेरे को कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का ध्यान रखना है, एंड सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि मेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को भी अवॉइड करना है. उसके बाद आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि भैया मेरा मेंटल एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए एज ए ऑडिटर कि मैं हमेशा सतर्क रहूं, सावधान रहूं, मैं हमेशा सतर्क रहूं, मैं हमेशा सावधान रहूं, मेरा हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रहे एज ए ऑडिटर कि भैया कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, कहीं भी एरर हो सकता है, तो हमेशा मुझे सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, हर ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है. मुझे किसी भी चीज को यूं ही ओवरलुक नहीं कर देना, जनरली ओवरलुक नहीं कर देना. जो भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, आई नीड टू बी अलर्ट, आई नीड टू बी केयरफुल, कहीं वो डॉक्यूमेंट कोई फॉल्स्ट तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स रिलायबल तो नहीं है. मैं जब भी ऑडिट कर रहा हूं तो आई हैव टू बी अलर्ट कि कहीं कोई सर्कमस्टेंस फ्रॉड का इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है. तो हमेशा मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है. उसके बाद होता है प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट मतलब अलग अलग एरियाज में एज ए ऑडिटर मुझे ही अपनी जजमेंट लगानी होगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन माई जजमेंट.
हर ऑडिटर का अपना अलग अलग जजमेंट होगा, मैटरलिटी क्या होगा हर ऑडिटर का अपना अलग अलग जजमेंट होगा, एस डबल ए कितना सफिशियंट है हर ऑडिटर का अपना अलग अलग जजमेंट होगा, जो कंक्लूजन मैंने ऑप्टेन करा वो सफिशियंट है कि नहीं हर ऑडिटर का अपना अलग अलग जजमेंट होगा, और वो जजमेंट किस बेसिस में फ्रेम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई हर किसी ने अलग अलग ट्रेनिंग करी है, हर किसी ने अलग अलग नॉलेज एक्वायर किया है, उनका अपना अलग अलग तजुर्बा है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ही वो प्रोफेशनल जजमेंट का जो एलिमेंट है वो तैयार होता है। देन वी हैव एस डबल ए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि मेरे को क्या करना है सर एज ए ऑडिटर, एस डबल ए लेना है और एस डबल ए लेकर ओपिनियन फ्रेम करना है, और जो एविडेंसेस होते हैं सर वो सफिशियंट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और फाइनली मेरे को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना है। उसके बाद ऐसे 200 के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, कि मेरे कुछ अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट करते हुए, राइट right. मेरे कुछ अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट करते हुए, इसलिए एज ए ऑडिटर मैं हमेशा सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, और इनहेरेंट लिमिटेशंस को याद करने का सिंपल तरीका है ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस, ऑडिटर इज द फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशन, दैट इज एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, टी से टाइमलीनेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड ओ फॉर अदर लिमिटेशन। तो एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो अगेन वहां पे एक रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैनेजमेंट को उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो अगेन वहां पे एक रिस्क है, राइट उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स है वो इस प्रकार से डिजाइंड है, मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो इस प्रकार से डिजाइंड है कि जो भी एविडेंसेस मैं ऑब्टेन करूंगा वो परसुएसिव होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा, वो परसुएसिव होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा, और उसके अलावा पार्टिकुलरली मुझे जो पावर्स मिला है ना एज ऑडिटर, तो मेरे को अनलिमिटेड पावर्स नहीं मिला है, मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास सर्च एंड सीजर जैसे पावर्स नहीं है लाइक द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, सो दैट इज वाई मेरे पास लिमिटेड है, वो भी मेरे एक लिमिटेड है। टी से टाइमलीनेस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि सर अगेन टाइम भी एक फैक्टर है, कॉस्ट भी एक फैक्टर है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 100% चेकिंग कर सकूं, सो मुझे सैंपलिंग बेसिस में ऑडिट करके काम चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसे 200 ये भी कहता है सिर्फ और सिर्फ ये जो एक एक्सक्यूज है ना आपका, जो एक बहाना है ना आपका कि भैया टाइम नहीं है, कॉस्ट फैक्टर है, तो वो अपने आप में एक सफिशियंट ग्राउंड नहीं है कि आप एक इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर ऑमिट कर दें, आपने सारे प्रोसीजर्स तो लगाने ही होंगे, सारे रेलिवेंट प्रोसीजर्स तो अप्लाई करना ही होगा। एंड फाइनली वी हैव अदर लिमिटेशंस, फॉर एग्जाम्पल लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तो मैनेजमेंट का काम था ही, रिलेटेड पार्टीज के बारे में डिस्क्लोजर देना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, तो वो सारा अदर लिमिटेशंस के अंदर आ जाएगा। एंड उसके अलावा ऐसे 200 के अंदर जो रेलिवेंट है अपना, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट, तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर अगेन अपने को डिसाइड करना है पार्टिकुलरली कि अगर हम स्कोप की बात करें तो मैनेजमेंट हमारे स्कोप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, हमारा स्कोप आईसीआई ने डिसाइड किया है, हमारा स्कोप लॉ के द्वारा डिसाइड किया गया है, और मैनेजमेंट की उतनी औकात नहीं है कि वो हमारे स्कोप को क्या कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके, और अगर मैनेजमेंट हमारे स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले हम TCW को कम्युनिकेट कर देंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि भैया यू नो मेरे रिपोर्टिंग में उस चीज का क्या इंप्लीकेशन आने वाला है, क्या मेरे को डिस्क्लेमर वगैरह देने के बारे में सोचना है या नहीं देना सोचना है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आई नीड टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दैट इज एसेट 200।